बिग बॉस सीजन 14 से हिमांशी खुराना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती हिमांशी खुराना को इस सीजन में घसीट रहे हैं। दरअसल राहुल वैद्य और दिशा परमार को लेकर कुछ बीबी व्यूअर्स इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि ये दिशा दूसरी हिमांशी बन रही है। वेल, इस शख्स ने हिमांशी का नाम दिशा से क्यों जोड़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई भी एक्ट्रेस दूसरी हिमांशी बन रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिमांशी खुराना आज जो भी है अपने बलबूते पर हैं। बिग बॉस सीजन 13 में इतना क्रिटिसिज्म, इतनी रोस्टिंग होने के बाद भी हिमांशी खुराना ने कभी हार नहीं मानी। हिमांशी खुराना अपना काम करने में लगी रही और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दिया। नतीजा ये रहा कि साल 2020 की ट्विटर पर मोस्ट मेंशन्ड म्यूजिक आर्टिस्ट की लिस्ट में हिमांशी खुराना का नाम टॉप पर आया। तो ऐसे में कोई भी अगर हिमांशी बनने की कोशिश करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं। हिमांशी खुराना जहां पहुंच गई है वहां तक पहुंचना कई लोगों का सपना होता है। अब इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि आप सब अपने अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को अप्रिशिएट करने का काम कीजिए, दूसरों पर पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।